न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। तहसील अनूपशहर के प्रांगण में न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम चुनावी यात्रा पर आ चुकी है, तो कुछ लोगों से हम सलाह मशवरा लेते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। जय किशन शर्मा। जय किशन शर्मा जी, आपका गांव कौन सा है? गांव पाली। पाली गांव के आप किसान करते हैं क्या, खेती करते हैं? खेती करते हैं। जैसे ये योगी सरकार 5 साल रही है और इससे पहले 2017 में अखिलेश सरकार रही, इसको किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं आप लोग? हम तो साहब मोदी की बनानी चाह रहे हैं। मोदी जी या योगी जी तो बात एक ही मान रहे हैं ना, तो आप कितना खुश हैं सरकार से? हम तो बढ़िया खुश हैं साहब, खूब। कितना विकास हुआ है? बढ़िया भाई, विकास खूब। जो प्रत्याशी यहाँ कौन है? संजय शर्मा। तो संजय शर्मा ने जो आपके क्षेत्र में कितना विकास किया है? हमारे में विकास करो हुआ। विकास हुआ है, जैसे एक आध विकास का नाम? सड़क भी बनी है, पुल बनो हमारे यहाँ पाली पे, गांव में भी सीसी डलवाई है, ये सब है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मदन पाल गिरी। मदन पाल गिरी जी, गांव कौन सा आ रहा है आपका? पाली है जी। तो आप इस योगी सरकार से कितना खुश हैं? हम पूरी तरीका से खुश हैं जी। ऐसा क्या विकास हुआ जो खुश हैं आप योगी सरकार से? हम इसलिए खुश हैं जी को गरीबों की तरफ सबकी तरफ नज़र है उन लोगों की, और राशन पानी भी देते हैं टाइम से, हर चीज़ खाना भी मिलता है हम सब लोग के लिए, और सबकी सुरक्षा अच्छी ठीक ठाक हो रही है जी। अच्छा, गठबंधन सरकार से खुश नहीं है आप? हम गठबंधन सरकार से बिल्कुल खुश नहीं हैं, हम तो केवल मोदी या योगी बस दो के ही साथी हैं और किसी के साथ ही नहीं है। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश सिंह है। राजेश सिंह, गांव कौन सा रहा? मेरा गांव तालवे ब्याना। तालवे ब्याना है। जैसे योगी सरकार ये रही है और जैसे पिछली बार भी अखिलेश सरकार रही थी, इनके विकासों में कोई अंतर आया है? मेरा सबसे ज़्यादा अखिलेश ने किए। अखिलेश जी ने क्या मतलब कौन सा विकास किया है? अरे उसके उस पर उद्घाटन कर रही है योगी सरकार, और क्या कर रही है, जो अखिलेश के कर गया उस पर उद्घाटन कर रही है, इसने नया काम कौन सा किया है? जैसे अखिलेश जी आप ये बता रहे हैं कि जो मोदी जी ने फीता काटे हैं या जो किया है, तो इन्होंने अखिलेश को उस पर किया है इन्होंने, तो सरकार किसकी बनाना चाह रहे हैं? हम उसको देंगे सपा को। नहीं, सपा को यहाँ तो कैंडिडेट जो है एनसीपी के ना, इसमें हैगा रामेश्वर दयाल है, बसपा से हैगा, हमारा विधानसभा यार की दिवाली है, हम हरीश लोधी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हरीश लोधी को आप वोट समर्थन करते हैं? ठीक, उसको जिताएंगे पक्की तरह से। शर्मा जी, आप ये बतलाएं, जैसे ये सरकार हमारे यहाँ चल रही है, जो विधायक संजय शर्मा जी थे उन्होंने अपने अनुपचर में कितना विकास कराया है? उन्होंने सबसे प्रथम यहाँ सीवर लाइन की व्यवस्था कराई कि गंगा में गंदा पानी न जाए, और अभी बहुत काम बाकी हैं, वो आने वाले समय में पूरा होंगे। मोदी ये जो योगी जी की सरकार ने बहुत कुछ कार्य किया है। सबसे पहला बात जो भैया ने बताया कि दंगे और विवाद जीरो पे आ गए, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से राशन पानी पब्लिक को भरपूर दिया जा रहा है और महीनों से फ्री में जा रहा है, जो आज तक किसी भी सरकार ने फ्री में किसी को खाना नहीं दिया, जो यहाँ से दिया जा रहा है। बस यह थोड़ी सी दिक्कत है ट्रांसपोर्ट की, हमारे यहाँ जो गंगा पे पुल बना हुआ है, इस पुल पर ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट से पास नहीं, ये पास हो जाए तो सुविधा सब पूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी, आपका शुभ नाम क्या है? गिरीश रस्तोगी। रस्तोगी, आप ये बताएं, जैसे ये विधायक थे संजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, आप इन विधायक से कितना खुश हैं? विधायक सब काम बढ़िया करा है, सब काम सही है, शहर में काफ़ी विकास कराया है। लोग तो कहते हैं कि विकास नहीं हुआ इस विधायक जी के नेतृत्व में। विपक्ष वाले तो कहेंगे ही, ये थोड़ी कह रहे हैं विकास कराया है। नहीं, अखिलेश सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है आप? ना, कुछ नहीं। कुछ तो कराया होगा उन्होंने? कुछ नहीं कराया उन्होंने, धेले पैसे का काम नहीं कराया उन्होंने। गुंडागर्दी कराई है, वो एक काम कराया है।
जी देखिए, मेरा एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहूँगा सरकार तक कि जनपद बुलंदशहर में ये जो हमारा कस्बा है अनूप शहर, ये बहुत ही पौराणिक भूमि है। महाभारत कालीन समय की भी यहाँ कई मंदिर हैं और मतलब विश्व काफ़ी विख्यात है, लेकिन उस दृष्टि से इसको पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहूँगा कि इस शहर की, इस पावन भूमि की, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, इसके विषय में भी वो संज्ञान लें और यहाँ के जो घाट हैं उनको और अच्छे से बनाएं, और सबसे बड़ी चीज़ कि इस जगह का प्रचार हो कि दिल्ली के पास में इतनी खूबसूरत नगरी भी है जहाँ जाकर के आप गंगा स्नान कर सकते हैं। लोग, मैं देखता हूँ दिल्ली से लोग जाते हैं हरिद्वार और वहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं टूरिज्म को लेकर, जैसे कैंपिंग हो गई, राफ्टिंग हो गई, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, तो वो सारी चीज़ें अगर यहाँ भी शुरू हो जाएं तो यहाँ के व्यापारी का भी बहुत लाभ होगा, यहाँ के रहने वाले आम नागरिक का बहुत लाभ होगा, और साथ के साथ दिल्ली के व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दूर ना जा करके यहाँ अनूप शहर में उनका अच्छे से मनोरंजन भी हो पाएगा और इससे सभी लोगों का फ़ायदा होगा। तो ये मैं बात आप